हाँ जी, तो ये एतमाद पे आप जो सा बायोमेट्रिक्स करवाते हैं अपने फिंगरप्रिंट्स के लिए, तो इसके लिए जो सा है आपको यहाँ पे इसका एड्रेस भी लिखा हुआ है। नॉर्मली एड्रेस फाइंडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होती है, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग जो है इसको बेहतर तौर पर जान सकें। ये देखिए, ये बिलाल रेंटे कार है जो यहाँ मुल्तान रोड पर चढ़ते हैं, तो ये बिलाल रेंटे कार आता है आपके लेफ्ट साइड पर, और मुल्तान की तरफ आपका मोह होता है, और आप लाहौर से मोटरवे के थ्रू जो सा है वो मुल्तान रोड पे आ रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको यानी सामने जो सी ट्रैफिक जाती हुई नज़र आ रही है, राइट साइड पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसका नाम इसके ऊपर में लिखा हुआ है, ये फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है, ये है यूनिफॉर्म फैक्ट्री, मुल्तान रोड पे यूनिफॉर्म फैक्ट्री है। तो आपको यहाँ पे आना है, और मैं और भी लोकेशन आपको जो सी है इसके नियर बाई वही बता देता हूँ। वही मैं आपको बता देता हूँ कि एटलीस्ट कौन सा है वो इनको आपको फाइंडिंग करते हुए प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कभी। ये हारून एक्सप्रेस के नाम से एक बिल्डिंग है जो आपके लेफ्ट साइड पे आती है। फिर आगे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आ रहा है, ताकि आप इसी लोकेशन को देखते हुए जो सा है आपको फाइंडिंग में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये जूम के नाम से एक वो है अपना पेट्रोल पंप है, ये वाला, ठीक है, ये इसके सामने, ये आपको सामने नज़र आ रही है बनाने वाली बेड के मेटल बनाने वाली कंपनी है, उसके भी तो साथ ही है मतलब इसका बायोमेट्रिक्स। ये देखिए, यहाँ से आप यानी जा रहे हैं, और पहला जो यू टर्न आता है उससे आपने यानी होना होगा। ये देखें होंडा की, यहाँ पे होंडा की कंपनी है, फिर ये इसके साथ ही आपका जो है टोटल पार्को का आ जाता है, पंप आ जाता है, इसके साथ ही आप जो है टर्न लेना है। यू टर्न आप लेंगे तो आप लाहौर जाने वाली रोड पे आ जाएंगे, अभी हम मुल्तान रोड पे चल रहे हैं। तो वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी लेकिन बड़ी माजरत से, लेकिन मैं क्योंकि ये आप लोगों की सहूलत के लिए सारा कुछ कर रहा हूँ, तो काइंडली आप इसको मतलब देख लीजिएगा कि ये बस एक आप लोगों की सहूलत के लिए। लेकिन नॉर्मली इस पर बहुत खर्च होता है। So
काम करवाना है उम्रा करने से पहले, और इवन आप कहीं और कोई डेस्टिनेशन है आपकी पाकिस्तान के बाहर, तो आप अल्टीमेट वहाँ भी जाएंगे। तो ये लेफ्ट आपने होना है, ये देखिए इतमाद का कौन सा है वो इस पर, ये आपके बिल्कुल ये देखिए, ये देखिए इतमाद का ये साइन बोर्ड भी है, और लेफ्ट जाने के लिए यानी वहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये देखिए बहुत सारा रश है यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पे एक उन्होंने वो भी रखा हुआ बनाया हुआ है, अब पार्किंग के लिए सहूलत भी है, लेकिन लोग नॉर्मली इस जगह कम जगह है जाने के लिए भी आने के लिए भी, और लोग अपनी पार्किंग जल्दी में होते हैं, वो बताए पाकिस्तानी भाई ज़रा जल्दी में रहते हैं हर वक्त, तो नॉर्मली जहाँ पे भी उनको जगह मिलती है वो पार्क कर देते हैं। सो हमें अभी जाना है, लग रहा है हमें थोड़ी लेट हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट हम पहुंचने वाले हैं। मुझे टाइम बताइएगा, टाइम क्या हुआ है? जी तकरीबन हमारा जो पहुंचने का टाइम है, बायोमेट्रिक्स का टाइम है, और वो है कितना टाइम लिखा हुआ है इसके ऊपर? जी 10 बजे का टाइम लिखा हुआ है, तो हम 10-12 मिनट लेट हैं, लेकिन आई थिंक ये देखें रोड की बहुत हालत ख़राब है, लेकिन एटलीस्ट सनसेट है वो हम इसको कैप्चर कर रहे हैं, सिर्फ आपकी सहूलत के लिए कर रहे हैं, ताकि आप यहाँ पे आगे परेशान ना हो और आपको पता हो कि आपने कहाँ पे पहुँचना है और किस जगह पे आना है आपने। दैट्स ऑल। जो लोग यहाँ पे आते हैं बड़े खुश खुश होते हैं, जो उम्रा करने वाले आते हैं मुस्कुरा मुस्कुरा के एक दूसरे बातें कर रहे होते हैं, अमले से भी बड़ा तावन कर रहे हैं, अमला यहाँ पे बहुत अच्छा है, और मतलब वो आपको ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं बिठाएगा, इसमें अंदर जाके वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है, तो नॉर्मली हम मतलब बाहर तक ही आपको यानी गाइड कर सकते हैं, अंदर नहीं लेके जा सकते हैं, और अंदर जा वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं होती है। सही है, तो एटलीस्ट जो उनसे है ये देखिए ये जगह है जहाँ से मतलब एंट्री होती है, तो ख़वातीन और मेल जो से हैं इधर से ये सॉरी मेरे ख्याल में बाहर आने का रास्ता है, या नेक्स्ट डोर है, नेक्स्ट जो सा है गेट है इसके लिए, सो लेट्स सी कहाँ से जाया जा सकता है। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, और आपका इतमाद का जो आपके अपॉइंटमेंट है वो उसका लेटर आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपको यानी यहाँ पे मतलब देनी लगेगी, अदरवाइज़ आप परेशान होंगे और आपको यानी ये चीज़ें जो सी हैं दिखाने के लिए कहा जाएगा। देखिए काफ़ी रश है, सो ये गेट है जी, ये देखिए ये गेट है जहाँ से लोग जो उनसे हैं वो अंदर जाते हैं, और चले जी मीनू जी निकलें जी, करें आप अल्लाह का नाम लेके, ठीक है। तो ये यहाँ पे गार्ड हैं जो बाहर खड़े हुए हैं, तो ये देखिए कि लोग आते हैं, और लेकिन यहाँ पे बहुत गंद और अच्छा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो है अंदर वाली बिल्डिंग बहुत अच्छी है, और उन्हें जो उसको मतलब अच्छा बनाया गया है, एसी का निज़ाम है सारा अंदर। तो लेट्स सी, मैं आपको पार्किंग के लिए भी दिखा देता हूँ जगह की कहाँ पार्किंग है, ताकि आप लोग को आके बाहर पार्किंग ना करनी पड़े, और जहाँ पे इसकी एक्चुअल जगह है वहाँ पे आप पार्किंग कर दें। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, उसकी रीज़न ये है कि आपको पता है ये रश बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको असल डेस्टिनेशन पे ले आया हूँ, तो बाकी जो सा है आप ज़रा देख लीजिए, ये देखिए ट्रॉलर सामने से आ रहा है, तो लेट्स सी भी क्या हम करते हैं, किस तरह से इसको पार्क करते हैं, साइड पर करते हैं,
तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा आगे जाके राइट साइड पे जौन सा है वो पार्किंग का है। ये देखिए पार्किंग का बोर्ड भी लगा हुआ है, किसके ऊपर ये जो पोल है बिजली का इसके ऊपर लगा हुआ है। सो पार्किंग बिल्कुल इसके साथ राइट साइड पे है, तो आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। मैं वीडियो को क्लोज़ करता हूँ क्योंकि आगे जौन सा है वो आप देखिए ट्रॉलर है, तो लोग जौन से हैं वो थोड़े डिस्टर्ब हैं और समझ नहीं आ रही उन्हें पार्क कहाँ पे करें, क्योंकि लोगों ने साइडों पे पार्किंग की हुई जिसकी वजह से जगह काफ़ी तंग पड़ गई है। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्रे पे जाना चाहें और आप जा रहे हैं तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और आपको खुश व खुर्रम रखे, और आप वहाँ पे जाके अपनी दिल की मुरादें पूरी करें और खुशियाँ जौन सी हैं वो बहुत सारी लेके आएँ। जिस मकसद के लिए आप जा रहे हैं अल्लाह पाक उसमें आपको कामयाब कर, ठीक है। और जो बाहर जा रहे हैं लोग वो बायोमेट्रिक करवाने के लिए आए हुए हैं, अल्लाह पाक उनके लिए भी अपनी बहुत सारी रहमतें करें, उनको खैर वाफियत से अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचा दें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शाह जमाल, अल्लाह हाफिज़।